सैकड़ों लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने पिछले 10 साल में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई है और स्वस्थ भारत फिट भारत का संदेश देते हुए एक विश्व रिकॉर्ड एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। नी रिप्लेसमेंट के जितने भी हमारे दावत हैं और नी रिप्लेस हो चुका है, डॉक्टर पगड़िया ने इसको पास कर इनिशिएटिव लिया है और मणिपाल हॉस्पिटल का इनिशिएटिव लिया हुआ है ये। और हम चाहते हैं कि उनकी तालियां, आप लोगों की तालियां और उनकी तालियां दोनों मिलकर एक नया इतिहास बनाए, एक नया संतुलन बनाए ताकि एक नई जिंदगी को दौर मिले, बदलाव की जिंदगी को दौर मिले। और आपको एक चीज बता दूँ, करीब ये जो एज ग्रुप है ये 50 साल से लेकर 85 साल तक का एज ग्रुप है जो यहाँ पर सब लोग दौड़ रहे हैं, कुछ वॉक कर रहे हैं, कुछ दौड़ रहे हैं। डॉक्टर बगड़िया हमारे बीच पहुँच चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए डॉक्टर बगड़िया का, यहाँ पर हमारे बीच मौजूद हैं। और इन्हीं की खासकर मुहिम थी, मुहिम की एक जिद थी, मैं चाहता हूँ कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बने, तो चलेंगे आप तो दौड़ेंगे जिंदगी। तो वाकई में ये लोगों यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका आगाज कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय राज्यपाल महोदय अगर फ्लैग ऑफ कर देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आदरणीय राज्यपाल महोदय से मेरा अनुरोध है कि आप इनका फ्लैग ऑफ कर दीजिए ताकि ये लोग अपनी गति से आगे बढ़ें और इस मुहिम को जो खासकर एक नए स्वास्थ्य और स्वच्छता की तरफ हमने रखी है, जयपुर मैराथन की एक मुहिम इस बार रखी है कि स्वस्थ रहे शहर और स्वच्छ रहे शहर। तो आदरणीय राज्यपाल महोदय जी की तरफ से फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। आज का जो प्रोग्राम था वो इन लोगों का प्रोग्राम था जो आपके सामने खड़े हैं। मैंने तो इनको आमंत्रित किया था कि तो ये ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जो कि मेरा समझ रहा है कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कराए हुए लोग भी क्या 5 किलोमीटर चल सकते हैं क्या? तो मैंने कहा बिल्कुल चल सकते हैं, 5 या 10 भी चल सकते हैं। और उन्होंने पूरा 5 किलोमीटर चल के जेएनएम मार्ग के ऊपर एक विश्व रिकॉर्ड एस्टेब्लिश किया और ये गिनीज बुक, लिम्का बुक और गोल्ड बुक तीनों में प्रदर्शित होगा जो विश्व रिकॉर्ड है। अभी तक पूरी दुनिया में 200 लोग पैदल चले और वो भी सिर्फ कलेक्शन है, उसका गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है। ये जो आप चले हो ना आज, ये 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाएगा।